हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, और ये प्रश्न दोस्तों आपके ग्रुप डी और यूपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए दोस्तों, आपके पास यहाँ पर चार भिन्न है, पूछ रहा है इन चारों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, आपको करना क्या होता है कि जो भिन्न दी गई हैं उसमें ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है, इन दोनों का क्या करना है दोस्तों, आपको अंतर निकालना है। तो 119 और 121 का अंतर कितना होगा, दो होगा। अंतर कितना होगा, दो। तो इस अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड देंगे। ऊपर वाली संख्या क्या है दोस्तों, 119 है। ये करना है आपको, समझ में आई बात। यहाँ पर भी इनका अंतर निकालिए, 151 और 155 का अंतर कितना आएगा दोस्तों, चार आएगा। इस चार से क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड देंगे 151 में, ठीक है। यहाँ भी आप अंतर कीजिए, 31 और 37 का अंतर कितना आएगा, छः आएगा। छः से क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करेंगे 31 में, ठीक है। यहाँ देखिए, 63 और 75 का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 12 आएगा। 12 से क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करेंगे 63 में। ये बात आ गई समझ में आपको, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। अंतर कर लीजिए, अंतर से क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। अब करना आसान हो गया, दो से डिवाइड बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें दो से डिवाइड करेंगे, दो पच्चे दस होगा, क्लियर। दो पच्चे दस, एक बचेगा 19, दो निम्बे का 18, एक बचेगा नहीं जाएगा 10, मतलब कितना हो जाएगा 10, दो पच्चे 10। तो इसका आ गया 59.5। चार से डिवाइड कीजिए, चार त्रिक का 12 तक जाएगा, तीन बचेगा 31, ठीक है। चार सत्ते 28 तक जाएगा, तीन बचेगा नहीं जाएगा 10, मतलब कितना हो जाएगा 3, चार सत्ते 28, क्लियर दोस्तों। आगे सॉल्व कीजिए, 6 से कटाइए, 6 पच्चे 30 कटेगा, एक बचेगा नहीं जाएगा 10, मतलब क्लियर है, कितना हो जाएगा 10। तो इससे काटेंगे, 6 कम 6 कटेगा। आगे कटाइए, 12 से कटाएंगे, 12 पच्चे 60, तीन बचेगा नहीं जाएगा 10, मतलब कितना हो जाएगा ये 30, 12 दुने का 24, तो 5.2 हो गया। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ये पूछ रहा है। अब देख लीजिए, इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है 59.5। तो यही हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर दोस्तों, क्लियर है। सही आंसर क्या हो गया, 59.5। ये किस भिन्न से निकल के आया है, ये निकल के आया 119/121 से। तो 119/121 ये सबसे बड़ी भिन्न है, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। अगर सबसे छोटी पूछ लेता तो सबसे छोटा क्या है, 5.1 किससे निकल के आया, 31/37 से। ये आपकी सबसे छोटी भिन्न है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आपके पास ये चार संख्याएँ हैं, इन चारों में पूछ रहा है दूसरी छोटी। एक तो सबसे छोटी होगी, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो छोटी होगी वो पूछ रहा है। तो इस प्रश्न को करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो दोस्तों आपको पावर दे रखी है, उस पावर का क्या करेंगे, आप HCF ले लीजिए, ठीक है। तो पावर क्या क्या दे रखी है आपको दोस्तों, 60, ठीक है, 48 है, 36 है और 24 है। तो इनका आप LCM HCF लेंगे चारों का, HCF दोस्तों कितना आ जाएगा, इनका HCF आ जाएगा आपका 12, क्लियर है। 12 से 24 भी कटेगा, 36 भी कटेगा, 48 भी कटेगा और 60 भी कटेगा। तो HCF कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2। अब HCF कितना है, 12। 12 से 60 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। तो 2 की पावर 5 रखिए, क्लियर। यहाँ कितना है, 23। 12 से काटेंगे 48 को, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 3 की पावर 4 रखिए, यहाँ कितना है, 4। 12 से काटिए 36 को, 3 बार में कटेगा, 4 की पावर 3 रखिए, 5। 12 से काटेंगे दोस्तों 24 को, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो 5 की पावर 2 रखिए। बात आ गई समझ में, जो पावर है उसका HCF ले लेंगे आप तो 12 निकल के आएगा। यहाँ पर जो बेस है, बेस तो वही रहेगा, HCF से पावर में जब डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, जितनी बार कट रहा है अब उसकी पावर उतना ही आप रख दीजिए, ठीक है। अब 2 की पावर 5 का मान कितना होता है दोस्तों, 32 होता है। 3 की पावर 4 का मान 81 होता है। 4 की पावर 3 का मान 64 होता है।
और 5 की पावर 2 का मान 25 होता है। आपसे क्या पूछ रहा था, दूसरी सबसे छोटी, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या दोस्तों कौन सी है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आपको पता है कि 25 है, लेकिन सबसे छोटी नहीं पूछ रहा, इससे बाद में कौन सी छोटी है, ये तो सबसे छोटी हो गई, लेकिन दूसरी छोटी पूछ रहा है, सबसे छोटी 25 है, 25 के बाद कौन सी छोटी है, 32 है। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, लेकिन किससे निकल कर आया है 32, 2 की पावर 60 से, तो 2 की पावर 60 दूसरी छोटी संख्या है। क्लियर है, अगर सबसे बड़ी पूछ लेता तो सबसे बड़ा 81 है, 3 की पावर 48 से निकल के आया है, तो 3 की पावर 48 बड़ी हो जाएगी। अगर दूसरी बड़ी पूछ लेता तो 81 के बाद में बड़ा कौन, 64, तो ये आपकी दूसरी बड़ी संख्या हो जाती। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके पास दोस्तों 4 संख्याएँ, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो वही करेंगे जो अभी अभी किया, जो पावर दे रखी है उसका आप HCF लेंगे। पावर कितनी है दोस्तों, 250, ठीक है, 150, 100 और 200, इन सभी का आप दोस्तों जब HCF लेंगे, तो HCF देखेंगे यहाँ पर कितना है, 100, 100 को दोस्तों 50 से कटेगा, ठीक है, क्योंकि HCF क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो इस 100 को बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी काटेगी, 50 काटेगी, 200 को भी 50 काट देगी, 150 को भी 50 काट देगी, 250 को भी 50 काट देगी, तो HCF कितना हो जाएगा आपका, HCF 50 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, अब 50 से काटेंगे, 250 को कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, 2 की पावर 5 रख दो, 150 को काटेंगे 50 से 3 बार में कटेगा, पावर 3 रख दो, 50 से 100 2 बार में कटेगा, पावर 2, 204 बार में कटेगा, पावर 4 रख दीजिए। क्लियर, 2 की पावर 5 का मान कितना होता है, 32 होता है, 3 की पावर 3 का मान दोस्तों 27, 5 की पावर 2 का मान 25 और 4 की पावर 4 का मान 256 होता है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ा कौन, 256 है, किस से निकल के आया है, 4 की पावर 200 से निकल के आया, तो 4 की पावर 200 दोस्तों सबसे बड़ी संख्या है, 4 की पावर 200, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगर दूसरी बड़ी पूछ ले तो इसके बाद में कौन सी बड़ी संख्या है दोस्तों, 32 है, तो 2 की पावर 250 दूसरी बड़ी संख्या है, सबसे छोटी पूछ लेगा, सबसे छोटा कौन है, 25, तो 5 की पावर 100 सबसे छोटी संख्या है। तो इन प्रश्नों को करने का दोस्तों सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आपके पास यहाँ पर 4 संख्याएं हैं, इस बार जो दी गई है संख्या दोस्तों वो रूट में दी गई है, ठीक है, तो इसे भी करने का आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, ये जो संख्या है 4, 6, 12, इनका लेंगे हम LCM, ठीक है, तो 3, 4, 6 और 12 का दोस्तों हम क्या लेंगे, LCM लेंगे, तो इनका LCM दोस्तों कितना आ जाएगा, 12, ठीक है, 3 से भी 12 कटेगा, 4 से भी 6 से भी और 12 से भी 12 कटेगा, तो इनका LCM कितना आ गया, 12 आ गया। बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखिए इन सभी का दोस्तों हमने जब LCM ले लिया तो इन सभी की जगह आप 12 को ही रख दीजिए, जैसे 12√4, ठीक, क्लियर है, यहाँ पर 12√6, क्लियर, 12√15, 12√245, बात समझ में आ गई यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 से 12 को कटाएंगे कितनी बार में कटेगा, 3 से 12 को कटाएंगे 4 बार में कटेगा, तो इसकी पावर 4 रख दीजिए, 4 से 12 को कटाएंगे 3 बार में, इसकी पावर 3 रख दो, 6 से 12 को कटाएंगे 2 बार में, इसकी पावर 2 रख दो, और 12 से 12 को कटाएंगे 1 बार में, तो इसकी पावर 1 रख दीजिए। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखिए ये तो हमने कटा दिया 12 को, तो 4 की पावर 4 का मान दोस्तों कितना होता है, 256 होता है, ठीक, 6 की पावर 3 का मान दोस्तों कितना होता है, 216 होता है, क्लियर, 15 की पावर 2 का मान कितना होता है, 225 होता है, क्लियर, और 245 की पावर 1 है, तो ये तो 245 ही यहाँ पर रहेगा ही रहेगा।
अब आपसे क्या पूछ रहा था, सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो सबसे बड़ा कौन है, 256 या 245? आप कहेंगे 256 सबसे बड़ा है। किस से निकल के आया है, 3√4 से, तो 3√4 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, पहला ऑप्शन। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। करते क्या है, ये जो बाहर वाली संख्या है इनका ले लेंगे हम एलसीएम। अब इस बाहर वाली संख्या से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 3 से कटाएंगे 4 बार में, तो इस 4 की पावर 4 रख दीजिए। 4 से कटाएंगे 3 बार में, कटेगा एलसीएम, तो इस 6 की पावर 3 रख दीजिए। बात आ गई दोस्तों समझ में। इसी तरीके से ये प्रश्न होगा, और सबसे आसान तरीका है, एक बार इन प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगर मैं जीडी ग्रुप डी की बात करूं तो ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, तो इनको तैयार कर लीजिए अच्छे से। इन प्रश्नों को दोस्तों आगे से कभी सॉल्व नहीं करना, पीछे से सॉल्व करना, हमेशा इन प्रश्नों को पीछे से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए पीछे से मैं सॉल्व करूंगा, 6 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 आ गया, ये प्लस का साइन है, यहाँ पर साइन किसका है, प्लस का, तो इस 12 को इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्लियर है, 2 और 2 4, 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14। ये 14 क्या हो गया, 144। 144 क्या होता है, इसके पूरे के ऊपर दोस्तों रूट है, तो इसका रूट जब सॉल्व करेंगे तो 144 क्या है, 12 का स्क्वायर, मतलब 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 12। यहाँ पर आप साइन कितना है, माइनस का है। देखिए जब यहाँ प्लस का साइन था तो हमने जोड़ा था, अब माइनस का साइन है तो घटाएंगे, इस 12 को घटा देंगे दोस्तों। क्लियर है, 6 में से 2 गया 4, 6 7 में से 1 गया 6, 64 आया। 64 का वर्गमूल दोस्तों कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब माइनस का साइन है तो इस 8 को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। अब 177 में से 8 को घटा देंगे, 169 बचेगा, और 169 का रूट जब सॉल्व करेंगे तो कितना होता है, 13, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो 13 को जोड़ेंगे, जब प्लस का साइन रहेगा तो जोड़ना है, माइनस का रहेगा तो घटाना है। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25, मतलब कितना, 256। अब 256 का वर्गमूल दोस्तों क्या होता है, 256 का वर्गमूल जब सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, 16 होता है, 16 का स्क्वायर होता है आपका 256। क्लियर है, तो 16 आपके प्रश्न का सही आंसर है, डी ऑप्शन, क्योंकि रूट में दे रखा है, रूट तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, रूट जब सॉल्व करेंगे तो 16 आपका आंसर आ रहा है लास्ट में जा करके। तो पीछे से इन प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करते हैं, ये बात याद रखिएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, इस प्रश्न की बात करूं तो ये प्रश्न भी बिल्कुल पहले की तरह है, लेकिन यहाँ पर सभी जगह प्लस का साइन है तो कोई बात नहीं, सभी जगह प्लस कर देंगे जब प्लस का साइन है तो। यहाँ क्या दे रखा है, 225, 225 का ये रूट सॉल्व करेंगे आप, क्योंकि रूट में दे रखा है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, 225 का कितना आएगा, 15, ठीक। अब यहाँ पर 154 में क्या करेंगे, 15 को जोड़ेंगे क्योंकि प्लस का साइन है, तो 15 को क्या करिए, जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, 15 और 1 16, 169। और जब इसका हम वर्गमूल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169। यहाँ प्लस का साइन है तो 13 को जोड़ दीजिए, प्लस का साइन है तो जोड़ दो, 8 और 3 11, हासिल का 1, 10 और 1 11, हासिल का 1 कितना हो जाएगा, 12। अब 121 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है, 11 होता है, 11 ले लीजिए, प्लस का साइन है तो इस 11 को इसमें जोड़ दो। क्लियर है, 5 और 1 6, 2 और 1 3। 36 का वर्गमूल दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस 6 को क्या करेंगे, प्लस का साइन है तो इसमें जोड़ देंगे। क्लियर है, अब यहाँ पर 10 में हमने 6 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 16। 16 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 4। 4 आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपके पास संख्या लिखी हुई है, पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए इन संख्याओं को सबसे पहले ये देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। 2 की पावर 1/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, रूट, तो हम रूट में 2 लिख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ बट्टे में 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। यहाँ पर देखो 3 की पावर 1/3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 तो रूट में आ जाएगा, 1/3 का मतलब यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, √4, यहाँ पावर 1/4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों।
या 6 की पावर 1 बट्टे 6 है, तो इसे जब रूट में लेंगे तो 6 अंदर चला जाएगा और ये पावर वाला 6 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर रूट में कितना आ जाएगा, ये 12, 1 बट्टे 12 का मतलब क्या है, यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो ये पहले इस तरीके से लिखा होगा, फिर हम जब इसके रूट को जब पावर में चेंज करेंगे तो फिर इस तरीके से ये हो जाएगा। रूट में लिखेंगे तो ऐसे, बिना रूट के लिखेंगे पावर में तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन हमें ऐसे दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने उसे रूट में बदल लिया। वही तरीका है, मैंने क्या बताया, ये जो बाहर वाली संख्या हैं इनका क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लीजिए। तो बाहर वाली संख्या कौन सी है, 2, 3, 4, 6 और 12, इनका जब आप एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो एलसीएम इनका कितना आएगा, 12 ही आएगा, एलसीएम 12 ही आएगा। तो मैंने क्या बताया, 2 से काटो 12 को, 6 बार में कटेगा, तो इस 2 की पावर क्या रख देंगे दोस्तों, इस 2 की पावर 6 रख देंगे। 3 से कटाएंगे 12 को 4 बार में, इस 3 की पावर 4 रख दीजिए यहाँ पर। 4 से कटाएंगे 12 को 3 बार में, तो पावर 3 रख दीजिए। 6 से कटाएंगे 2 बार में, पावर 2 रख दीजिए। 12 से कटाएंगे 1 बार में, पावर 1 रख दीजिए। 2 की पावर 6 का मान दोस्तों कितना होगा, आप बात करेंगे 2 की पावर 6 का मान हो जाएगा दोस्तों 64। क्लियर? 3 की पावर 4 का मान 81, 4 की पावर 3 का मान 64, 6 की पावर 2 का मान 36, 12 की पावर 1 का मान 12। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा कौन है, 81 है। किस से निकल कर आया है ये 81, ये निकल के आया 3 की पावर 1 बट्टे 3 से। क्लियर? तो ये आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इस तरह का प्रश्न अभी अभी बिल्कुल मैंने कराया है, तो ये प्रश्न मैं नहीं कराने वाला। ये प्रश्न दोस्तों मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए। क्लियर है? ये प्रश्न दोस्तों आपको होमवर्क है। इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा। जल्दी कीजिए, फास्ट फास्ट कमेंट कीजिए दोस्तों। बिल्कुल भी कठिन प्रश्न नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसी तरह के प्रश्न मैंने अभी अभी कराए हैं, तो आपको करने में बहुत आसानी होगी, 2 या 3 सेकंड में ही कर देंगे। कमेंट कीजिए दोस्तों, सबसे फास्ट कमेंट कीजिए, सबसे पहले आंसर बताइए कि सर हमारा आंसर ये है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए चारों में से कौन सा सही है। कमेंट कीजिए फास्ट दोस्तों। यहाँ पर जितने भी मैंने प्रश्न कराए हैं, अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।